नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन के अंतर्गत मैंने आपको लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था और लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रल के लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो हेडिंग डालो। देखो, लाइन इंटीग्रल अब पैरामेट्रिक फॉर्म में करेंगे, तो हेडिंग है आपकी लाइन इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, यानी टी की फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में बात करेंगे, टी की। क्लियर है, पहले एक्स की, वाई की, जेड की फॉर्म में बात कर रहे थे, अब किसकी फॉर्म में बात करेंगे, टी की। तो देखो, आप जानते हो कोई फंक्शन होता है, तो कोई फंक्शन इस तरीके से तो होता है, पहले x का कंपोनेंट रहता है, फिर y का कंपोनेंट रहता है, फिर z का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, लेकिन जो x का कंपोनेंट है, मान लो वो किसके टर्म में दे रखा है, t की टर्म में। जो y का कंपोनेंट है वो भी किसके टर्म में है, t की टर्म में है। क्लियर है, और जो z का कंपोनेंट है वो भी किसके टर्म में दे रखा है, मान लो t की टर्म में दे रखा है। क्लियर है, तो ये एक्स वाई जेड के मतलब एक्स वाई जेड जो दे रखे हैं वो टी की टर्म में दे रखे हैं। तो देखो, जो लाइन इंटीग्रल था उसे आप ऐसे डिनोट करते थे, और यहाँ पर अब वो टी की फॉर्म में आ जाएगा केवल, है ना। तो मान लो फाई है कोई फंक्शन जो एक्स वाई और जेड से मिलकर बना है, तो वो जो फाई है वो भी तो टी से मिलकर बना है ना, क्योंकि फाई किससे मिलकर बना है, एक्स वाई जेड से, और एक्स वाई जेड किससे मिलकर बने हैं, टी के पदों से, टी की टर्म्स से मिलकर बने हैं। तो यानी फाई टी का डिफरेंशियल करना है आपको, है ना, इंटीग्रल करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, डी टी के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये है इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर है, लाइन इंटीग्रल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब आपको और भी अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें आप, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन इंटीग्रल कैसे होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो, जैसा मैंने आपको समझाया वो पैरामेट्रिक फॉर्म, भले ही आपके अभी अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड दे रखा है, यानी वेक्टर एफ एक फंक्शन है इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना है ये लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, और अलोंग द पाथ जो कर्व दे रखा है, मैंने बताया x बराबर y बराबर z बराबर दिया रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, जब लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, अभी बताया ना, तो x बराबर दे रखा है 2t, और x बराबर y बराबर z बराबर वो जो दिया रहेगा वो t के पदों में रहेगा, t की टर्म्स में रहेगा। ठीक है, तो x बराबर 2t, y बराबर t, और z बराबर t क्यूब, और साथ में आपको लिमिट दे रखी है 0 से 1 तक लिमिट है आपकी। ठीक है, तो देखो, वैक्टर एफ चाहिए, वैक्टर डी आर चाहिए, फिर दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और फिर इंटीग्रल करना है लाइन इंटीग्रल। तो वेक्टर एफ, देखो वेक्टर एफ है आपका ये रहा, लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड की ये वाली वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, तो वेक्टर एफ दे रखा है देखो, लेकिन मैंने बताया एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। तो देखो, 2 × y की वैल्यू क्या है, t, तो 2t हो जाएगा, प्लस 3 आई कैप, प्लस एक्स जेड की वैल्यू रखो, x की जगह 2t है और z की जगह t क्यूब है, तो हो जाएगा 2t की पावर 4, डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, x की जगह 2t रखो, z की जगह t क्यूब रखो, तो 2t की पावर 4 हो जाएगा j कैप, प्लस yz, तो yz की करो तो t की पावर 4 माइनस x, x यानी 2t। ठीक है, और इनटू k कैप। तो वेक्टर f जो है आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल लिया है, यानी टी के पदों में बदल लिया है, टी की टर्म्स में। ठीक है, फिर वेक्टर डी आर की बात करते हैं, तो वेक्टर डी आर तो आप जानते हैं, या बल्कि पहले वेक्टर आर की बात करूं, वेक्टर आर क्या होता है आप जानते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखो, दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी बराबर डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है,
तो आप मुझे बताओ, टी के रेस्पेक्ट में इधर भी हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी, जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, क्लियर है। दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन क्या है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। देखो x का मान रखो, x का मान क्या है 2t, चलो एक बार लिख लेता हूं, तो d अपॉन डी टी 2t i कैप, y का मान रखो t, तो dt अपॉन डी टी j कैप, z का मान रखो t क्यूब, तो d अपॉन डी टी t क्यूब इंटू k कैप। तो बताना d वेक्टर r अपॉन डी टी बराबर कितना आएगा, t का तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा 2i कैप केवल, ठीक है, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, j कैप बचेगा केवल, और ये t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा केवल k कैप, ठीक है, डी टी को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 2i कैप इंटू डी टी प्लस डी टी, है ना, j कैप, या j कैप इंटू डी टी कैसे भी कर सकते हो आप, प्लस 3t स्क्वायर dt और इंटू k कैप, ठीक है। वेक्टर dr की वैल्यू निकल गई और वेक्टर f की निकल गई, अब आपको पता है दोनों की क्या कर देनी है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, वेक्टर f की वैल्यू रखो तो डायरेक्ट कर दूं, है ना, आप समझ रहे हो, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये 2t प्लस 3 इंटू टू और इंटू डी टी, समझ पा रहे हो ना, बाकी नहीं तो डॉट में लिख के आपको समझते हैं, आई डॉट आई वन हो जाता है, जे डॉट जे वन हो जाता है, के डॉट के वन हो जाता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, मैंने एक लाइन छोड़ दी है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखो, जे डॉट जे वन हो जाएगा तो टू टी की पावर फोर इंटू डी टी, टू टी की पावर फोर इंटू डी टी, क्लियर है, प्लस आगे देखें k डॉट k 1 हो जाएगा और ये बचेगा 3t स्क्वायर इंटू ये t की पावर 4 माइनस 2t, और k डॉट k क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, उस बात को आप समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो अब इसका क्या करना है, लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल वेक्टर f डॉट dr, तो लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 40 प्लस 6 हो जाएगा, क्लियर है, dt कॉमन ले लो सारे में से, यहां भी क्या आएगा dt, ठीक है, भाई t स्क्वायर इंटू ये और इंटू dt, k डॉट k 1 हुआ, dt सारे में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2t, वो 2 टू जा 40 प्लस 6 और प्लस 2t की पावर 4, क्लियर है, प्लस देखो 3 टी की पावर 6 हो जाएगा और 3 टू जा 6 टी की पावर 3 हो जाएगा और इंटू डी टी, ठीक है, लिमिट ले सकते हो, डी है वाई बराबर, वो टी बराबर क्या है 0 टू टी, यहाँ डी टी आ रहा है तो लिमिट किसकी लोगे टी की, तो जी बराबर, वो टी बराबर 0 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बहुत आसान सी बात है, आप समझते होंगे, 4 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू टी, इतना बेसिक इंटीग्रल तो आप समझते होंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू टी की पावर 7 अपॉन 7, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं मैं एक बार बता ही देता हूं, तो टी की पावर n इंटू डी टी जो होता है वो आपको पता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है और अपॉन में n प्लस 1 जो ऐड होकर आया वो पावर अपॉन में आ जाती है, ठीक है, कहां तक आ गए थे हम, यहां तक माइनस 6 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है 0 टू 1, क्लियर है, इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग, 2 टू जा 4 तो ये बचेगा 2, लिमिट रखो 1 का स्क्वायर प्लस, इस सारे में पहले 1 रख देना है और 0 रखोगे तो 0 हो ही जाएगा, उसे छोड़ दो, तो पहले 1 रखो इस सारे की जगह, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 5 1 की पावर 5, 3 अपॉन 7 1 की पावर 7,
सिक्स अपॉन फोर यानी थ्री अपॉन टू और इंटू वन की पावर फोर। ठीक है, जीरो वाला छोड़ो तो ये बचेगा आपका केवल टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स यानी एट कर लूँ, एट प्लस टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन सेवन और माइनस का थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और इसका आंसर मैं आपको बता दूं देख करके, इसका आंसर है आपका 7.32। ठीक है, तो इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 7.32। ठीक है, अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप लोग समझ सकते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है तो इसे आप कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और ये एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीके से एग्जाम्पल है कि लाइन इंटीग्रल पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो इसे आप अच्छे से करिए, पैरामेट्रिक फॉर्म के लाइन इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी मेथड से होंगे। ठीक है, कोई अन्य मेथड थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, चलते हैं फिर आगे। आइए एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो इसमें क्या कहा, इवैल्यूएट, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, और एक्स बराबर वाई बराबर आपको दे रखा है और लिमिट्स के लिए पॉइंट भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो एक्स बराबर कितना है, टी स्क्वायर। तो देखो हमें डी एक्स चाहिए, एक्स और वाई की जगह तो हम वैल्यू रख देंगे टी की टर्म्स में, लेकिन डी एक्स और डी वाई चाहिए, तो इसलिए आप क्या करो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, तो क्या आएगा टू टी। तो यहां से आप बताइए डी एक्स अपॉन वो डी एक्स बराबर क्या आएगा, टू टी इंटू डी टी। क्लियर है, वाई बराबर आपको दे रखा है टू टी, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या निकाल आएगा, केवल टू आएगा, तो डी वाई बराबर आपका कितना आया, टू इंटू डी टी। क्लियर है, चलो तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालनी थी, मतलब जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो भी आपने निकाल ली है। तो सो आप इंटीग्रल करें ए टू बी और वाई स्क्वायर, वाई मीन्स टू टी, तो टू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर टी स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू टू टी इंटू डी टी प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, वाई, वाई की वैल्यू है टू टी, और डी वाई, डी वाई है आपका टू डी टी। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बातें समझ में आ रही हैं। चलो तो देखो यहाँ से इधर कर लेते हैं, चलो तो देखो इसे थोड़ा सही से लिख लो ए टू बी। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, लिमिट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे अभी, देखो यहाँ से देखो पहले से लिख लो फोर टू जा एट, एट है ना, और ये हो जाएगा टी की पावर थ्री। क्लियर है, और इंटू में क्या आएगा डी टी। ये एक काम करो डी टी क्या ले लूँ कॉमन, तो ये बचेगा एट टी क्यूब, और ये बचेगा टू टू जा फोर टी क्यूब, फोर टी क्यूब। क्लियर है, टू टू जा फोर टी क्यूब, बातें क्लियर हैं, और इंटू में क्या है डी टी, तो वो क्या ले लिया है बाहर, तो ये बच जाएगा आपका इंटीग्रल ए टू बी, और चार और आठ बारह, तो ट्वेल्व टी क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, तो टी क्यूब का डिफरेंस इंटीग्रल क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, देखो चार और आठ बारह, तो क्या कर लें, एक लाइन बढ़ेगी फालतू में, क्या कर लेते हैं बारह को बाहर कर लो। ठीक है, और ये बचेगा इंटीग्रल ए टू बी है, और ये बचेगा टी क्यूब इंटू डी टी। क्लियर है जी, देखो इसके बाद इसका इंटीग्रल तो कर दोगे, सही बात है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो आप देखो लिमिट चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना एक्स, देखो या तो इसकी हेल्प से लिमिट चेंज कर दो या इसकी हेल्प से कर दो, तो यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है तो इसकी हेल्प से करनी ज़्यादा आसान रहेगी। देखो वाई की लिमिट बताओ यहाँ पे, ये एक्स होता है वाई, ये एक्स ये वाई, तो वाई की लिमिट है माइनस टू से लेकर जीरो तक, तो y की लिमिट क्या है माइनस टू से जीरो तक। तो ध्यान देना जब y बराबर कितना है माइनस टू है,
तो बताना टी बराबर कितना होगा। जब वाई बराबर माइनस टू है तो माइनस टू से मतलब चलो देखो मैं रख ही देता हूँ, तो टी बराबर कितना आएगा यहाँ से, वाई अपॉन टू, और वाई बराबर माइनस टू है तो माइनस टू अपॉन टू, तो टी बराबर कितना आया, माइनस के वन। क्लियर है? और देखो जब वाई बराबर कितना है, ट्वेल्थ क्लास में भी करते थे ना ये लिमिट चेंज करना। देखो जब टी बराबर कितना है, वो वाई बराबर कितना है, जीरो, तो टी बराबर कितना होगा, वाई बटे दो है तो यानी जीरो बटे दो, तो टी कितना आया, जीरो। ठीक है, तो लिमिट वाई की थी माइनस टू से जीरो, तो लिमिट टी की क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी माइनस वन से जीरो, लिमिट ये हो जाएगी माइनस वन से जीरो। ठीक है, तो देखो यही रख लो, एक लाइन और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तो क्या आएगा, माइनस वन से जीरो। क्लियर है, बातें क्लियर हैं? चलो तो देखो 12, और इसका इंटीग्रल करोगे तो टी की पावर 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा माइनस वन से जीरो, तो 4 चार तिया 12 तो 3 आएगा। और देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस का निशान लेते हैं, और फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखो 3 इंटू ये तो जीरो है, माइनस माइनस वन की पावर क्या है, सम संख्या है, यानी क्या बोलते हैं, इवन नंबर है, तो ये प्लस माइनस वन जो है ना, माइनस अंदर का खत्म हो जाएगा लेकिन बीच का माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -3। ठीक है, करो नोट, आगे चलते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद एक हेडिंग डालें, वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, वर्क डन यानी किया गया कार्य, और किसके द्वारा, बाय ए फोर्स, किसी बल के द्वारा किया गया कार्य है। तो आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पर कैसा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल होता है। क्योंकि देखो कैसे है, बात हो रही है, जैसे मान लो कोई बॉडी O पर थी और आप उसे A पर ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है कैसा है, लीनियर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कैसा है, रेखीय विस्थापन है, तो इसलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी कारण इंटीग्रल भी कैसा होगा, लाइन इंटीग्रल होगा। और आप जानते हैं वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर, यही तो होता है वर्क डन बाय ए फोर्स, और मैंने बताया आपको, तो एफ क्या है, वेक्टर एफ है फोर्स, ठीक है, और डी वेक्टर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और फोर्स यानी बल। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। इसके बाद आप देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और इसमें आपको वर्क डन निकालना है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो सपोज वेक्टर एफ दे रखा है, वेक्टर एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, बल है, तो इस इतना दे रखा है, इज द फोर्स फील्ड, यानी एक फील्ड है जो किसका है, फोर्स का है। ठीक है, फील्ड यानी क्षेत्र, रीजन। तो फाइंड वर्क डन, आपको किया गया कार्य निकालना है, वर्क डन निकालना है किसके द्वारा किया गया, फोर्स के द्वारा, वेक्टर एफ के द्वारा, और अलोंग द लाइन इतने से इतने तक। ठीक है, यानी मैंने बताया जैसे ओ से ए तक ले जाया जाता है, तो ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जाता है किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को। ठीक है, देखो बहुत आसान है, आपको पता है फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है, लाइन इंटीग्रल वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। ठीक है, यही तो होता है। चलो तो यहां देखो एक बात सुनो, पहले आप वेक्टर F और वेक्टर dr की बात कर लो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, वेक्टर F तो आपको पता है, और वेक्टर डी आर क्या हो जाएगा, जैसे वेक्टर आर होता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, तो डी वेक्टर आर कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो, तो आई आई डॉट आई वन, तो ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स,
क्लियर है भाई, डायरेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड आपका बीएससी का है तो आप चीज़ों को शॉर्ट करना सीखें, चीज़ों में लाइन ब्रेक करना मतलब गैप करना सीखें आप लोग, है ना। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा क्वेश्चंस लॉन्ग ना हो, इस तरीके से, है ना। और आपका माइंड में क्या होगा इससे डेवलप होगा। बाकी नहीं समझ में आता है तो आप पहले एफ को लिखो, फिर डी आर को लिखो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तब भी यही आएगा। तो आई डॉट आई वन, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, जे डॉट जे वन, तो वाई इंटू डी वाई। और देखो के डॉट के वन, तो जेड इंटू डी जेड, ये आ गया आपका वेक्टर एफ डॉट डी आर। आपको डब्ल्यू निकालना है तो सो डब्ल्यू बराबर लाइन इंटीग्रल, और देखो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर की वैल्यू रखो, ये वाली एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू डी वाई, और प्लस जेड इंटू डी जेड। और देखो लिमिट लेनी है, लिमिट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक है, यानी वन टू थ्री से लेकर किस पॉइंट तक है, थ्री फाइव सेवन तक है, ठीक है। अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई इंटू डी वाई इंटीग्रल जेड इंटू डी जेड। देखो डी एक्स आ रहा है तो पहले एक्स की लिमिट ले लो वन टू थ्री, यहाँ क्या आएगा वन टू थ्री, यहाँ डी वाई आ रहा है तो टू से फाइव तक हो जाएगा, ठीक है। डी जेड आ रहा है तो इसका मतलब थ्री से सेवन तक जेड की लिमिट लो, क्लियर है। इसके बाद का तो आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो को पोस्ट करो और खुद करो, बाकी मैं भी कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर वन टू थ्री, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू 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 फाइव, प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू थ्री टू सेवन। तो देखो डब्ल्यू बराबर वन बाई फोर, देखो तीन की पावर फोर हो जाएगी तो थ्री की पावर फोर, तो तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी, माइनस वन की पावर फोर वन हो जाता है वन बाई टू, देखो फाइव की पावर टू है तो ट्वेंटी फाइव, माइनस ठीक है टू की पावर टू यानी फोर, वन बाई टू बाहर आ जाएगा। जेड की पावर टू है यानी सेवन की पावर टू, सात सत्ते उनचास, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है लिमिट रखनी। तो देखो W बराबर आपका क्या आया, तो W बराबर है 80 बटे 4 प्लस यह आ जाएगा 21 बटे 2 प्लस और ये बचेगा 40 बटे 2 40 अपॉन 2, क्लियर है। तो ना यह आ जाएगा W बराबर 4 है ना 2 जा, तो 20 बचेगा प्लस यह आ जाएगा 10.5 और ये बचेगा 20, तो W बराबर 20 और 20 40 और 50 50.5, ठीक है 50.5, क्लियर है। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, यहाँ तक आप नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, इफ ए फोर्स वेक्टर F दे रखा है वो डिस्प्लेस करता है पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्लियर है। तो आपको और किस कर्व के अलोंग वाई बराबर 4x स्क्वायर कर्व के अनुदेश, वक्र के अनुदेश, ठीक है। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, देखें कैसे होगा। आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला W का, वेक्टर F डॉट dr और इस सारे का लाइन इंटीग्रल। तो वेक्टर F देखो, वेक्टर F डॉट dr निकाल लो पहले, तो वेक्टर F क्या है, ये वैल्यू है 2x स्क्वायर y इंटू i कैप प्लस 3xy इंटू j कैप डॉट dr की वैल्यू देखो क्या है, dr आपको पता है बार बार मैं बता चुका हूँ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, ये आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस जे डॉट जे कितना हो जाएगा वन, तो ये बचेगा थ्री एक्स वाई और इंटू डी वाई, के यहाँ पर नहीं है जीरो है इसका मतलब, तो के यानी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। चलो देखो ये x की टर्म में बना लो, तो y की जगह क्या रख लो 4x स्क्वायर, y की जगह क्या रख लिया 4x स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ये y की टर्म में बना लो, ठीक है y की टर्म में, या तो ये मतलब x का मान रख लो, तो
तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू वाई अपॉन 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा 1/2 अंडर रूट वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रख लो 1/2 अंडर रूट वाई और इंटू वाई इंटू डी वाई। क्लियर है, तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा जब एक ही होना चाहिए वेरिएबल। तो देखो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 3/2 और वाई की पावर 1/2 और 1, तो वाई की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, पता है ना अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर आपने निकाल दिया है। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, चलो अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है जी, तो देखो चेक करना पड़ता है बार बार, है ना, क्योंकि अकेला हूं, कैमरा ठीक चल रहा है या नहीं। तो देखो W बराबर आप इसका इंटीग्रेशन कर दें बस, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू रख दो एफ डॉट डी आर की, तो हो जाएगा 8x^4 dx प्लस 3/2 y^3/2, है ना, और इंटू डी वाई, अलग अलग कर लो। तो W बराबर ये हो जाएगा 8x^4 dx और ये हो जाएगा 3/2, बाहर ले लो, y^3/2 और इंटू डी वाई। ठीक है, लिमिट रखनी है यहाँ पर, डी एक्स है ना, तो एक्स की लिमिट रखो, एक्स की यानी 0 to 1, और यहाँ डी वाई है तो लिमिट रखो वाई की 0 to 4। ठीक है जी, तो W बराबर 8 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा x^5/5 0 to 1 प्लस 3/2, तो बाहर है, ये हो जाएगा y^3/2 + 1। ठीक है, 3/2 + 1 आप जानते हैं 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y^5/2 / 5/2 और लिमिट है 0 to 4। ठीक है, इसके बाद इधर देखें तो W बराबर देखो 8/5, ठीक है, और ये 1^5 - 0^5, तो 1 ही बचा, और प्लस देखो 3/2 है और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट रखो तो 4^5/2 - 0^5/2। ठीक है, चलो तो W बराबर 8/5, 2 से 2 कैंसिल, 3/5, और देखो इसे कर लो आप, 1/2 पावर है ना, तो √4 यानी 2 और उसकी पावर 5। बात समझ में आ रही है भाई, 5/2 पावर थी तो यानी 4^1/2 की पावर 5 ऐसे कर लिया, और 1/2 पावर का मीन्स होता है रूट, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2^5 कितना होता है, 32 होता है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। ठीक है, तो देखो 8/5 प्लस 32, 32 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 और अपॉन 5, तो ये बचेगा 96/8 = 104/5। ठीक है, देखो इसका आंसर मैच कर लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल यही आ रहा है, 104/5, तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, वर्क डन के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, नोट कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है, चलो तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मैसेज आते रहते हैं कि बुक की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर बुक की पीडीएफ पड़ी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की सुविधा आपको पता है, एक बार जो भी पीडीएफ, जो भी लिंक डाल दिया जाता है, तो आप उस लिंक पीडीएफ को डालने के कितने ही दिनों पश्चात क्यों ना ज्वाइन हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप में जिस दिन से आप ज्वाइन होते हैं उसके बाद की चीज़ें ही आपको मिलती हैं। और हाँ, एक सूचना और, यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस, आप लोग मैसेज करते हैं, प्रोसेस पूछते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ, ये फ़ोन पे नंबर है,
इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ आपकी मिनिमम अमाउंट रखी गई है, और पेड बैच में जो मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक है उसकी यूनिट चल रही है वेव मोशन, वो आपकी पेड बैच में रहेगी। और साथ में जो वेक्टर कैलकुलस का डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट और कर्ल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे का सारा जो है आपका पेड बैच में रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर आप फोन पे करके पेमेंट करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट। 100 रुपीज़ आपकी फीस है मिनिमम, और वहाँ से आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से चीज़ों को क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, और जो भी बुक आपके पास हो उससे इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।